और टिंडा। ये है रघु जो कि एक खूबसूरत टिंडा है। इसे अपना जीवन अपने तरीके से जीना पसंद है। वाह क्या मजेदार जीवन है। फल, हरी भरी घास और ये धूप, वाह मेरे तो मजे है। ये ताजे घास की खुशबू मेरे दिल को छू लेती है। दिन भर इधर उधर करना और पत्तों पर आराम करना उसे बेहद पसंद है। एक दिन ऐसे ही रघु एक घास का स्वाद उठा रहा था, तभी अचानक ये क्या देख रहा हूँ मैं नींद में तो नहीं हूँ ना। ये फल चलते हुए मेरी तरफ ही आ रहे हैं। पर फल कैसे चल सकते हैं? बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। भूत भूत। बचाओ बचाओ, ये फल मुझ पर हमला कर रहा है। क्या रघु तुम भी एक फल से डर गए? मैं तो बिल्कुल नहीं डरा था। तुम्हें पता है ना, मैं एक टिड्डा हूँ जो हमेशा बिंदास रहना पसंद करता है। ओ हाँ, सही कहा रघु, पर अब मान बिलो कि तुम डर गए थे। मेरी छोड़ो, ये बताओ कि एक फल लाने के लिए तुम चार चार चींटियां जाती हो। मैं तो तुमसे काफी बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं अपना काम खुद करता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मैं इस फल को खाने में तुम्हारी मदद करूँ? बकवास बंद करो रघु, ये फल अब खाने के लिए नहीं है। फिर सर्दियों के मौसम में काम आएंगे। सर्दियों के मौसम के लिए? वो देखो। रघु इशारे की ओर देखता है तो एक गड्ढे में सब चींटियां बड़ी कतार में फल और पत्ते इकट्ठा कर रही थी। उसमें टमाटर, सेब, हरे पत्ते, गोभी, इन जैसे कई पदार्थों का समावेश था। रघु जानना चाहता था कि ये चींटियां ये सब खाना गड्ढे में क्यों डाल रही है। अब जल्दी ही गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है, तब फल और पत्ते नहीं रहेंगे, इसीलिए हम पहले से ही सब खाना इकट्ठा करके रखते हैं। हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चींटी हो चींटी, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे लिए ये चुटकियों का काम है, इतनी भी जल्दी क्या है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्योंकि मुझे जीना है परसों। चींटियों को पता था कि रघु उनकी बात नहीं मानने वाला था। वो वहाँ से अपने काम के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो जानती है कि रघु बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये चींटियाँ भी ना बड़ी अजीब है, इतना बढ़िया मौसम है और ये काम कर रही है, हैं? और परेशान तो ऐसे है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। अरे खाने का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, कल की चिंता क्यों करें। रघु कई दिनों तक अपनी ही धुन में चुस्त रहा। उसे आने वाले सर्दी के मौसम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हरी घास खाने की वजह से वो मस्त मोटा भी हो चुका था। एक दिन ऐसे ही रघु आराम कर रहा था, तभी बड़ी संख्या में चींटियां हरी पत्तियां और टहनियां लेकर जा रही थी। ए ए सुनो, तुम ये पत्तियां और टहनियां लेकर कहाँ जा रही हो? सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के काम आएगी, तुम्हें भी अभी जमा कर लेनी चाहिए रघु। तुम सच में ना पागल हो पागल, सिर्फ ठंड से बचने के लिए इतनी मेहनत? चींटियां जानती थी कि रघु उनकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, इसलिए वो जाने लगी। तभी अचानक मेरा पैर। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सच्ची? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ। रघु चींटी को साथ लेकर उड़ चलता है। उस चींटी को भी बहुत मजा आता है। उसने हरी भरी जमीन देखी, बड़े बड़े झरने देखे, उसे हवा के झोंकों का एहसास हो रहा था। जब वो चींटी के घर के नजदीक पहुंचे तो रघु ने देखा कि बहुत सारी चींटियां पत्ते लेकर एक बड़े से गड्ढे में डाल रही थी। ये सब देखकर रघु दंग रह गया। शुक्रिया रघु। कोई बात नहीं, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। संभल कर जाना और अपने पैरों का ख्याल रखना। सुनो रघु, क्या तुमने पत्ते और खाना इकट्ठा किए? और सर्दी के मौसम में कहाँ रहोगे?
अरे मैं तो बड़ा हूँ, शक्तिशाली हूँ, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त कर ही लूंगा। कल की चिंता आज क्यों है? ऐसे बोलकर रघु वहाँ से उड़ निकला। धीरे धीरे मौसम में बदलाव आने लगे। गर्मी का मौसम खत्म होने वाला था। पेड़ों के पत्ते सूखकर गिर रहे थे। घास का रंग भी बदल चुका था। रघु अब भी निश्चिंत था। खा खा के वो मोटा हो चुका था। वो अब बचे हुए हरे पत्तों का लाभ उठा रहा था। आजकल ये चींटियां नजर नहीं आती। लगता है वो भी मेरी तरह मौसम का मजा ले रही है। पर अब क्या फायदा, जब मौज मजा करने का समय था तब सारा समय वो काम में लगी हुई थी। सर्दी का मौसम आ गया। चारों ओर बर्फ गिर रही थी। हरी घास तो देखने भी नहीं मिल रही थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। रघु अब खाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघु को ठंड लग रही थी। वो गर्माहट वाली जगह ढूंढ रहा था। इसी हालत में हफ्तों बीत गए। रघु की सेहत खराब हो रही थी। उसके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही रहने के लिए कोई जगह। तभी अचानक उसे चींटियों ने कही बातें याद आती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उन दोनों की बहस सुनकर उनकी मुख्य रानी चींटी और अन्य चींटियां भी बाहर आती है। हमारे पास बहुत खाना है। हम तुम्हें खाना दे सकते हैं, पर हम तुम्हें रहने नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये क्या? हमें इसे बचाना होगा। ये भूख से मर जाएगा। आखिर इसने मेरी मदद की थी। जब मेरे पैर में लगा था, तब ये मुझे अपने पीठ पर बिठाकर घर छोड़ने आया था। चींटी रानी अपने साथीदारों को रघु के लिए टहनियों का घर बनाने कहती है और उसे हरे पत्ते खाने देती है। सब चींटियां मिलकर उसके लिए अच्छा सा घर बनाती है। फिर उसे अंदर ले जाकर गरम गरम सूप देती है। कुछ ही देर में रघु अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। धन्यवाद रानी साहिबा, आपने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो रघु। तुमने हमारी चिट्टी की मदद की थी, हमने इस बार तुम्हारी मदद की। पर याद रखना, हमें हमेशा आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझ गया रानी साहिबा, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज हम जितनी भी मेहनत करेंगे, कल उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। मेंढक और गाय। तालाब में एक बड़ा मेंढक अपने से छोटे मेंढकों को डराकर उनसे अपनी जय जयकार करवा लेता था। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? तभी अचानक और एक छोटा सा मेंढक कहीं से दौड़ कर आता है और अलग नारा लगाना चालू करता है। ओ हुजूर, ओ हुजूर। ए तुम क्या बोल रहे हो? माफी हुजूर, पर वो पहाड़ पर जो खड़ा है वो आपसे बड़ा है। क्यों? नर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। हाँ हुजूर, आपसे भी बड़ा है। बड़ा मेंढक अपने आप से कहता है, सच में अगर मेरे से बड़ा कोई जीव होगा तो ये लोग मेरा जय जयकार करना बंद कर देंगे। ये तो टेंशन वाली बात है। चलो हम भी देखना चाहते हैं कौन है हमसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर।
अरे ये तो सच में मुझसे बड़ा है। हुजूर आप उसके सामने कितना छोटे लग रहे हो। बड़ा मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। क्यों हुआ कि नहीं मैं उस गोज इतना बड़ा? तो बच्चों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। सभी में अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, इसीलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आलसी गधा। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने बहुत सारे पालतू जानवर पाल रखे थे जो कि बहुत ही वफादार और कुशल थे। उन सब में बस एक ही जानवर ऐसा था जो बहुत ही आलसी और कामचोर था। आइए हम सब आज इस आलसी गधे की कहानी देखते हैं। अरे ये आलसी गधा अभी तक सो रहा है क्या? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। उसे आज नमक के बोरे ढोने हैं। मालिक मैं जाकर देखता हूँ। आलसी गधे जल्दी उठो, तुम्हें आज नमक के बोरे ढोने हैं। तुम जाओ, मुझे कुछ देर और सोना है। इस आलसी गधे की अभी नींद भगाता हूँ। ये बंदर हमेशा मालिक की चापलूसी करता रहता है। इसे एक दिन भारी बोझ उठाना पड़ जाए ना, तब इसे पता चलेगा कि बोझ उठाना कितना मुश्किल काम होता है। हम कुछ दिनों के लिए नमक का व्यापार करेंगे। जी मालिक। शाबाश। इतना सारा काम पड़ा है और तुम दोनों को मजाक की पड़ी है, बंद करो। व्यापारी और गधा बाजार की ओर निकल पड़े। गधा अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्दी करो। मालिक मैं बहुत थक गया हूँ। अपना आलसीपन मत दिखाओ और जल्दी चलो। गधे के थकने का नाटक मालिक के सामने नहीं चल पाया। कितनी गर्मी है, पानी में एक डुबकी लगा लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे वाह, बोझ तो बहुत कम हो गया है। बेवकूफ गधे, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? सारा नमक पानी में घुल गया है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं फिसल गया। ठीक है, पर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं मालिक। निराश व्यापारी गधे को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। मुझे ये जबरदस्त तरकीब पहले क्यों नहीं सूझी? गधे को अब समझ आ गया था कि पानी में भीगने के बाद बोरों का भार धुंध हो जाता है, इसलिए वो रोज चांद पूछ कर फिसलता और पानी में भीग जाता। 2-3 दिन से कितना नुकसान चल रहा है। ए गधे, आज जरा संभल कर चलना, मालिक की बोरियों को बर्बाद मत होने देना। आलसी गधे को मालिक के नुकसान से कोई लेना देना नहीं था। वो रोज की तरह पानी में जाकर डुबकी लगाता था। अरे नहीं, क्या करे मालिक, आज बहुत ही ज्यादा फिसलन है यहाँ। क्या हुआ मालिक?
मुझे लग रहा है कि गधा जानबूझकर गलती कर रहा है। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दाल में कुछ तो काला है, वो हमेशा एक ही जगह पर फिसलता है और सारे नमक के बोरे खराब हो जाते हैं। गधे को सबक सिखाने के लिए व्यापारी और बंदर को एक तरकीब सूझती है। इस बार वो दोनों नमक की जगह बोरों में रुई भर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आज उस आलसी गधे को मजा चखाऊंगा। आज तो बोरों का भार बहुत ही कम है। पानी में डुबकी लगाने के बाद तो ये और भी कम हो जाएगा। किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हंसना बंद करो और काम पर लगो। आज देखते हैं तुम क्या करते हो। रुई ने बहुत सारा पानी सोख लिया था, जिसके कारण बोरों का भार 10 गुना बढ़ गया था तथा इस भार को नहीं सह पा रहा था। तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे, तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अब तुम्हें अच्छा सबक मिला है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। उस दिन के बाद गधे ने अच्छा सबक सीख लिया और कभी भी फिसलने का नाटक नहीं किया। फिर चाहे आए नदी में बाट, गधा ले जाता बोरिया संभाल। आज हमने सीखा कि हमें हमेशा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, आलसपन से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।